मुगल काल की एक ऐसी बेगम जिन्हें 16th सेंचुरी के एकमात्र महिला इतिहासकार के रूप में जाना जाता है, वो थी गुलबदन बेगम। वो हुमायूं नामा की रचयिता थी। भारत के पहले मुगल बादशाह बाबर की वो बेटी थी, हुमायूं की प्यारी बहन थी और भारत के सबसे प्रसिद्ध मुगल बादशाह अकबर की बुआ थी वो। उनके पति खिज्र खान थे। दरबार में गुलबदन की काफी इज्जत थी और उनकी शब्दों और लेखन को काफी गौर से सुना जाता था और पढ़ा जाता था। पर्शियन और टर्किश भाषा पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। गुलबदन का एक अलग ही तरीका था इतिहास को बताने का। लेकिन गुलबदन बेगम ने अपने द्वारा रचित हुमायूं नामा में पारिवारिक रिश्ते उस समय के सामाजिक परिवेश पर ज्यादा महत्व दिया है। उस समय सुल्तान, सुल्तान की रानियां, उनके हरम, हरम की महिलाओं का मानसिक तनाव और उनके और सुल्तान के आपसी रिश्ते, इन छोटी छोटी बातों का बारीकी से जिक्र किया है गुलबदन बेगम ने। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16th सेंचुरी की एकमात्र महिला इतिहासकार गुलबदन बेगम के बारे में, जो हुमायूं नामा की रचयिता थी। लेकिन इसकी चर्चा शुरू हो इसके पहले, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। गुलबदन की माँ दिलदार बेगम थी, लेकिन उसका पालन पोषण किया था महम बेगम ने। और गुलबदन का जन्म हुआ था काबुल में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबर को भी लेखन में काफी रुचि थी, उसने बाबर नामा लिखा था। उसी तरह उनकी पुत्री गुलबदन बेगम भी लिखने पढ़ने की काफी शौकीन थी। अपनी लेखन के जरिए गुलबदन बेगम ने उस समय के उन तमाम छोटी छोटी घटनाओं का इतना बारीकी और विस्तार से वर्णन किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूं नामा में गुलबदन ने न सिर्फ बाबर हुमायूं के जीवन के काल के इतिहास को लिखा है, बल्कि उस इतिहास को जिया भी है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा में एक घटना का जिक्र करती हैं कि एक बार हुमायूं बीमार हो गया था और उसके पिता बाबर हुमायूं की बीमार से काफी चिंतित थे। गुलबदन बेगम बताती हैं कि उन्होंने देखा कि बाबर 3-4 दिनों तक हुमायूं के बिस्तर के पास बैठे रहा या फिर टहलते रहा और बार बार अल्लाह को याद करता रहा और उनसे ये फरियाद करते रहे कि अल्लाह हुमायूं को जल्दी से ठीक कर दे, भले हुमायूं के बदले बाबर खुद बीमार हो जाए। इस घटना से हम ये जान पाते हैं कि बाबर और हुमायूं में कितना गहरा रिश्ता था। गुलबदन बेगम बताती हैं कि भारत का सुल्तान बनने के बाद बाबर का पूरा हरम काबुल से आगरा आ गया तो बाबर काफी इमोशनल हो गया था। जब बाबर की पत्नी महम बेगम काबुल से आगरा आ रही थी तो बाबर स्वयं उसकी आगवानी करने आगरा से बाहर उनसे मिला और अपनी बेगम के लश्कर के साथ ठहरने के लिए निश्चित महल में पैदल चढ़कर गया। इससे ये तो पता चलता ही है कि उच्च समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। मुगल कालीन अधिकतर इतिहासकार मुगल हरम को सुल्तान का भोग विलास के अड्डा के रूप में ही बताए हैं, लेकिन इससे अलग गुलबदन बेगम लिखती है कि मुगल हरम की औरतें युद्ध और राजनीति और सुल्तान और कौन से उत्तराधिकारी बनेंगे, इन सब में काफी रुचि रखती थी। यही कारण है कि सुल्तान बनाने और मिटाने में इन हरम की औरतों का काफी प्रभाव रहा करता था। मुगल हरम में रहने वाली बेगमों का आपस की ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का भी पता चलता है। फीमेल रिश्तेदारों को भी भेजा जाता था अपना स्वार्थ साधने के लिए सुल्तान के पास। सुल्तान के मन और दिमाग पर इन सारे राज परिवार की महिलाओं का काफी असर होता था। हर एक महिलाएं अपने मास्टर्स यानी शौहर का इंडिविजुअल लव पाना चाहती थी। इसके लिए आपस में कॉम्पिटिशन चलता रहता था और हरम में ऊंचा रुतबा और हैसियत पाने के लिए भी आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। इसका जिक्र गुलबदन ने अपनी किताब हुमायूं नामा में किया है। गुलबदन इन घटनाओं को सीधे सीधे लिखकर प्रस्तुत करती थी। गुलबदन ने अपने पुस्तक में लिखा है कि कैसे हुमायूं हामिदा बानो से शादी करना चाहता था, लेकिन हामिदा हुमायूं से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। गुलबदन ने बेबाकी से लिखा है कि हामिदा बानो बहुत ही वार्म और इम्पल्सिव इंडिविजुअल थी। अपनी राय और आइडियाज़ को लेकर वो अपने से बड़े उम्र के हुमायूं से शादी करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी और हामिदा बानो से शादी करने के लिए हुमायूं को काफ़ी जतन करना पड़ा। इस साधारण सी घटना को गुलबदन बेगम ने इतनी सहजता से लिखी है कि ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा घटित हो रहा था। गुलबदन बेगम ने अपनी पुस्तक में इस बात का भी जिक्र किया है कि मुगल काल में औरतें हज के लिए मक्का भी जाती थीं। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा उस समय के औरतों की दुनिया पर काफ़ी प्रकाश डालता है और शाही जश्नों में
सुल्तान की बेगमों की हैसियत और रुतबा के अनुसार सुल्तान के दाएं बाएं बैठने के स्थानों के निर्धारण का भी उल्लेख मिलता है। वो एक कीन ऑब्जर्वर थी और उनका इतिहास बताने का तरीका बिल्कुल अलग था। यही कारण है कि अकबर ने उनसे अपने पिता हुमायूं के जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखने का और एक संस्मरण तैयार करने का आग्रह किया। गुलबदन की लगातार 7 साल की मेहनत रंग लाई और मुगल कालीन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर हुमायूं नामा लिखकर तैयार हो गया। 1603 में 80 साल की उम्र में गुलबदन बेगम का देहांत हो गया। अकबर उनका बहुत आदर करते थे और इसलिए उनके जनाजे का उन्होंने स्वयं कंधा दिया था। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।